कई बार देखते हैं कि जो मनुष्य है उसके जीवन में बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं, जैसे कि नौकरी नहीं मिलती, जब बीमारी की हालत में रहते हैं, या कोई बिजनेस नहीं चलता, तो उस समय वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ही उलझनों के अंदर फंस जाता है, उसको किसी भी काम के अंदर कोई भी सफलता नहीं मिलती, वो परेशान होने लगता है, वो ढूंढने लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे कोई ऐसा मनुष्य मिल जाए जो मेरी इन सारी समस्याओं का उपाय करने पाए। आज के समय में लोग उपाय की तलाश में हैं। हमारे पास बहुत से पेशेंट आते हैं, जहाँ मेरी ड्यूटी है ऑलमोस्ट हमारे, मैं कैंसर डिपार्टमेंट में हूँ और बहुत से लोग कैंसर के आते हैं और हमेशा हमसे आकर यही कहते हैं कि मेरे को इस जगह पर कैंसर हो गया, इसका कोई उपाय बताएं। इसी तरीके से जब मनुष्य पाप में फंस जाता है तो वो भी छुटकारा पाना चाहता है और वो भी चाहता है कि कोई ऐसा उपाय हो जिसके द्वारा वह छुटकारे को पाने पाए। मेरे अजीज़ों, भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने वो उपाय, प्रभु यीशु मसीह हमारे, मेरे और आपके लिए खुद बन गए ताकि हम सब पापों से स्वतंत्र हो सकें, सब पापों से छूट सकें, सब पापों से आज़ादी को प्राप्त करने पाएं। आमीन। क्या आपको खुशी नहीं हुई, प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ी जो पाप की बीमारी थी जिससे हम सबको छुटकारा मिलता है, प्रभु यीशु मसीह वो उपाय उस पाप की बीमारी से हमें बचाने के लिए, उस मृत्यु से बचाने के लिए हमारे लिए खुद ब खुद वो उपाय बन गए और उस उपाय का नाम जीवित प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। मेरे और आपके लिए मर गया। आज हम उपाय ढूंढते हैं, हम प्रभु के पास जाएंगे और प्रभु हमारे लिए उपाय भी करेंगे और परमेश्वर हमारे लिए आशीषों को भी देंगे। आज कौन कौन यहाँ चाहता है कि मैं उस उपाय को प्राप्त करूं जिसके द्वारा बहुत सी आशीषें आने पाए। आमीन। आज हम उसी उपाय के बारे में सुनेंगे परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर है जो हमारा उपाय भी करता है हमारी समस्याओं का और बहतात की आशीष भी दे देता है। मैं परमेश्वर के दास अब्राहम जी के बारे में बताना चाहती हूँ। जिस समय हम देखते हैं उत्पत्ति उसके 22 चैप्टर में 1 से लेके 19 तक हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, वहाँ पर परमेश्वर के दास अब्राहम के बारे में लिखा गया है। अब्राहम को 100 साल की उम्र के अंदर उनको एक बेटे की आशीष प्राप्त हुई थी और जो अब्राहम जी थे वो अपने बेटे के साथ बहुत प्यार करते थे। तो एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अब्राहम अब्राहम, अपने पुत्र इसहाक को जिसको तू बहुत ज़्यादा प्रेम करता है उसको मेरे लिए बलि कर दे। अब्राहम जी सुबह उठे, पूरी तैयारी करी और गधे पर लकड़ियों को लाद लिया और 2 सेवकों को साथ ले लिया और चल पड़े और इसहाक उनका बेटा भी उनके साथ चल पड़ा। तीसरे दिन जब वो अपने स्थान पर पहुँचे, उस देश में पहुँचे जहाँ उनको पहुँचना था, दूर से उन्होंने देखा कि वहाँ पर पहुँच गया है, तो उन्होंने अपने बेटे के ऊपर लकड़ियों को लादा और अपने बेटे को साथ लिया, आग और छुरी भी साथ ले ली और बेटा कहने लगा कि पिताजी आपने आग और छुरी तो ले ली साथ में पर भेंट तो ली नहीं है। तो अब्राहम जी ने
अपने बेटे से एक ही शब्द कहा, एक ही बात कही कि परमेश्वर खुद भेंट का इंतजाम करेगा। आमीन। अब्राहम जी के अंदर कितना बड़ा विश्वास था। अब्राहम जी विश्वास के साथ बेटे को लेके गए और अपने जो सेवक थे उनको उन्होंने बोला कि आप यहीं नीचे ठहरो, हम अभी मैं और मेरा बेटा दंडवीट कर वापस लौट रहे हैं। विश्वास के साथ अब्राहम जी ने ये वचन को बोला और अब्राहम जी अपने बेटे को लेके पहाड़ पर चढ़ के और वहाँ पर उन्होंने वेदी को तैयार करा, चुन चुन के लकड़ियों को रखा और लकड़ियों को रखने के बाद उन्होंने अपने बेटे को बांध दिया लकड़ियों के ऊपर और आग भी थी वहाँ पर और छुरी भी थी। और उन्होंने जैसे ही अब्राहम जी ने छुरी को अपने हाथ में लिया और अपने बेटे अब्राहम पर वार करने लगे, उसको मारने लगे, तो तुरंत वहाँ पर उसी समय स्वर्ग से परमेश्वर के स्वर्गदूत की आवाज़ आई, अब्राहम अब्राहम अपने हाथ को थामे रख, अपने हाथ को रोके रख, इस बेटे के साथ कुछ मत करना। तो अब्राहम जी रुक गए। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे ही वो रुके और अब्राहम ने आंखें उठाकर पीछे की ओर देखा तो वहाँ पर उन्होंने एक मेढ़े को जो झाड़ियों में फंसा पड़ा था और उनकी अब्राहम जी की नज़र उस मेढ़े के ऊपर पड़ी और उन्होंने उस मेढ़े को उठाया और अपने पुत्र की जगह पर उसको बलिदान कर दिया। कितना महान परमेश्वर है हमारा, यो इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। जहाँ कोई उम्मीद नहीं होती वहाँ हमारा परमेश्वर इंतजाम कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जहाँ मनुष्य की बुद्धि बंद हो जाती है यहाँ कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। अब्राहम जी को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था पर उनका एक ही विश्वास था कि परमेश्वर बलिदान का खुद इंतजाम करेंगे, कि परमेश्वर बलि का खुद इंतजाम करेंगे और समय आने पर परमेश्वर जी ने खुद इंतजाम कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करें। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलते थे। जिस समय हम अब्राहम जी के बारे में देखते हैं चैप्टर 12 के अंदर, उस समय परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम जी से कहा कि अपने देश को छोड़कर, अपने रिश्तेदारों, अपने कुटुंबियों को छोड़कर, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी दिखाया नहीं है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? अब्राहम जी ने परमेश्वर के लिए उस देश को छोड़ दिया, एक स्थान को छोड़कर वो दूसरी जगह पर जाकर शिफ्ट हो गए। क्या शिफ्ट होना बहुत आसान होता है? शिफ्ट होना बड़ा टफ होता है। वो उस देश को छोड़ के, वो शहर को छोड़ के नहीं, परमेश्वर का वचन कहता वो देश को छोड़कर दूसरे देश में प्रभु उसको लेके जाना चाहते थे। उससे दूसरी चीज जो अब्राहम जी ने करी, परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम जी को कहा कि अपने सारे कुटुंबियों को छोड़ दे और अब्राहम जी ने अपने सारे रिश्तेदारों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो लिया। आज जिस समय मीटिंग का समय होता, जिस समय परमेश्वर को जो समय हम देना चाहते हैं, हम लोग संडे के दिन, इतवार के दिन अगर उनके घर में रिश्तेदार आ जाते तो उनको नहीं छोड़ते। आशीष कैसे प्राप्त होगी? रिश्तेदार आकर बैठ गए। पर अब्राहम जी को परमेश्वर ने यही आदेश दिया था, यही हुक्म दिया था कि अपने कुटुंबियों को छोड़कर, अपने पिता के घर को छोड़कर
उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और संसार में क्या कर रहे हैं लोग, रिश्तेदार आ गए, आज हम मीटिंग में नहीं जाएंगे, मेरी मासी आ गई, मेरी चाची आ गई, हम रिश्तेदारों को नहीं छोड़ सकते। आज हमारे वहां पर विवाह रचा गया है, आज हम संडे के दिन कैसे आए, मेरे चाचे की बेटी का मैरिज है, मेरे चाचे के बेटे का विवाह है। संसार में लोग फंसे हुए हैं। यदि हम आशीषों को पाना चाहते हैं तो अब्राहम जी की तरह अपने कुटुंबियों को छोड़ दें। मेरे कहने का ये मतलब नहीं अपने रिश्तेदारों के साथ बात मत कीजिए, अपने रिश्तेदारों के साथ मिले वरते ना। मेरे कहने का ये मतलब है कि परमेश्वर का जो स्थान है वो स्थान अपने रिश्तेदारों को मत दीजिए। अपनी लाइफ के अंदर जो समय परमेश्वर ने को देना है आप लोगों ने, वो समय अपने रिश्तेदारों को मत दीजिए। सबसे पहला स्थान अपने रिश्तेदारों को मत दीजिए, सबसे पहला स्थान यहोवा परमेश्वर को दो। जिस समय आप यहोवा परमेश्वर को अपने जीवन का पहला स्थान देंगे और परमेश्वर आशीषों की बौछार कर देंगे। अब्राहम जी ने अपने देश को छोड़ा, अब्राहम जी ने अपने रिश्तेदारों को छोड़ा, अब्राहम जी ने अपने पिता के घर को छोड़ दिया। मैं आपसे पूछना चाहती, क्या उन्होंने आशीषें पाई थी कि नहीं पाई थी? आशीषें पाई थी कि नहीं पाई थी? तो हम भी अब्राहम जी की संतान है, हम आशीषें पाएंगे या नहीं पाएंगे? पाएंगे हम भी, क्योंकि उसी परमेश्वर की संतान है। इस संसार में हमने सबसे पहले अपने पिता को स्थान देना है। सबसे पहले परमेश्वर का वचन कहता है एक माँ तुम्हें छोड़ देगी, परंतु मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। आपने संसार में देखा ही होगा, जिस माँ, जो माँ बच्चे को 9 महीने अपने पेट के अंदर रखती है और फिर भी क्या करती है, और फिर भी छोड़ देती है, फिर भी मदर टेरेसा के बाहर बच्चा मिलता है, फिर भी नालियों के अंदर, फिर भी गटर के अंदर, फिर भी कूड़े के स्थान के अंदर अपने बच्चों को छोड़ देती है। परमेश्वर को पता है कि संसार में मनुष्य ऐसे कर सकता है, इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं माँ से भी बढ़कर तुम्हें प्रेम करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर के प्रेम की हम तुलना किसी भी वस्तु के साथ नहीं कर सकते हैं। अब्राहम के जीवन में, अब्राहम जी के जीवन में परमेश्वर ने उस बलि का उपाय करा, क्योंकि उसका नाम यहोवा यरे है। वो आज भी आपके लिए उपाय करने की सामर्थ रखते हैं, क्योंकि उनका नाम यहोवा यरे है, उपाय करने वाला परमेश्वर। आज उन्हें पुकार लीजिए, अब्राहम जी की तरह करें। जो अब्राहम जी ने वही किया जो यहोवा यरे ने उनको कहा था। आज परमेश्वर का वचन भी आपको यही कह रहा है कि वचन की सुने, परमेश्वर के शब्दों का आदर करें। परमेश्वर की क्या आज्ञा है आप लोगों के जीवन में, कैसे आएंगी आशीषें, कैसे आपकी समस्याओं का उपाय आपको मिलेगा। वो समस्या का इलाज, वो समस्या का उपाय सिर्फ इस पवित्र शास्त्र के अंदर पाया जाता है। आप निराश मत होइए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिस चीज का कोई उपाय ना हो सके। परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि मनुष्य के लिए तो कुछ भी संभव नहीं है, परंतु परमेश्वर के लिए, मनुष्य के लिए तो कुछ भी, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, संभव नहीं है, वो नहीं कर सकता, परंतु परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। आप अपने जीवन में घबराएं मत,
निराश मत होएं कि मैं क्या करूं, मेरे ऊपर बहुत सा कर्जा हो गया है, मैं क्या करूं, मेरे ऊपर बहुत से केस हो गए हैं, मैं क्या करूं, कोई संसार में मुझे प्रेम नहीं करता, मैं क्या करूं, मेरा परिवार मेरा साथ नहीं देता, मैं क्या करूं, मेरे बिजनेस के अंदर आशीष नहीं है, मैं क्या करूं, मैं कैसे इस बीमारियों से छुटकारा प्राप्त करूं। अब्राहम जी की तरह यहोवा यरे की वचनों को मान लीजिए, उस वचनों को फॉलो कर लीजिए, यहोवा यरे की उस आज्ञाओं की पालना करें तो सारी आशीषें परमेश्वर दे देगा। वो आपके लिए हर समस्या का हल उनके पास है, हर उपाय मसीह यीशु मसीह के पास है। प्रेज द लॉर्ड। सारी समस्याओं का हल अब्राहम जी का परमेश्वर यहोवा यरे ने कर दिया। यहोवा यरे ही था जिसने इसराइलियों को 40 साल के अंदर पानी भी दिया, पहनने के लिए कपड़े भी दिए और स्वर्ग से मन्ना भी दिया। हर एक चीज़ को परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए पूर्ण कर दिया, हर एक चीज़ का उपाय किया परमेश्वर ने, हल किया। क्या आज वो परमेश्वर जीवित नहीं है? परमेश्वर का वचन कहता है कि वह जुगा जुगा तक जीवित है, आज कल और जुगा जुगा सदा एक जैसा है और उसका प्रेम कभी भी नहीं बदलता, उसका प्रेम कभी भी नहीं टलता, उसके सारे वादे हाँ और आमीन के अंदर है। बड़ी मजबूती के साथ, बड़े विश्वास के साथ उन वचनों को थाम लीजिए, परमेश्वर उन आपको आशीष देंगे। उसी परमेश्वर ने अब्राहम जी को भी आशीष दी, उसी परमेश्वर ने अब्राहम जी को आशीष दी। अब्राहम जी को कहा कि तेरा वंश बढ़ेगा, पहली आशीष अब्राहम तेरा वंश बढ़ेगा, तेरा वंश तारों के समान हो जाएगा। अपने तारों को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। ऐसा होएगा, उसी यहोवा यरे ने अब्राहम के साथ वादा किया, मैं तेरे वंश को रेत के कणों के समान अनगिनत कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं उसी अब्राहम जी की बात कर रही हूँ जिसके पास 100 साल की उम्र में भी बच्चा नहीं था, 100 साल की उम्र में ही उन्होंने बच्चे को प्राप्त करा था। उससे पहले अब्राहम के पास कोई उम्मीद नहीं थी, कोई आशा नहीं थी। और उसी अब्राहम को यहोवा यरे जी क्या कह रहे हैं कि मैं तेरे अब्राहम, मैं तेरे वंश को रेत के कणों जैसा कर दूंगा, अनगिनत कर देगा और तेरा वंश सदा ही विजयी होएगा, सदा जय को प्राप्त करेगा। तेरे वंश के कारण सारी जातियां धन्य हो जाएंगी। तू बहुतेरी जातियों का पिता कहलाएगा। यहां एक बच्चा नहीं था, वहां परमेश्वर यहोवा यरे ने क्या वादा कर रहे हैं कि तू जातियों का पिता कहलाएगा, तेरे बच्चे इतने ज्यादा होएगा, तेरा वंश इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, तू कभी उसकी गिनती नहीं कर पाएगा। आज यदि आप लोग भी मसीह यीशु मसीह के करीब आ जाएं, यदि आज आप लोग भी प्रभु यीशु मसीह के वचनों को फॉलो करें, यदि आज आप उसकी आज्ञाओं का पालन करें, तो वो आज आपके लिए भी रेत के किनकों के समान अनगिनत आशीष देने की सामर्थ्य रखते हैं। और तारों के समान आशीष देंगे, आप गिन ही नहीं पाएंगे। कैसे अपने रिश्तेदारों को कैसे बताएंगे कि मुझे ये आशीष मिली, ये आशीष मिली, कितनी बता देंगे, अनगिनत आशीषें। यदि हम चाहते हैं अनगिनत आशीषों की तरह उस तारों के समान हमारी आशीषें बढ़ती जाएं, अनगिनत हो जाएं, रेत के किनकों के समान हमारी आशीषें बढ़ जाएं,
तो हमें उसी तरीके से करना है जैसे अब्राहम जी ने करा है। हमें उसी विश्वास के साथ चलना है। परमेश्वर ने अब्राहम जी को कहा कि मेरी उपस्थिति में सिद्ध होता चला जा, सिद्ध होते जाएं। कैसे सिद्ध होंगे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। दाऊद जी कहते हैं कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना कर सकूं। इस वचन को जिस समय हम अपने हृदय में रख देंगे तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में सिद्ध होते चले जाएंगे, सिद्ध होते चले जाएंगे। नया जीवन, नई आशीषें हमारे जीवन के अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। अब्राहम जी की तरह आज भी अब्राहम जिस समय प्रार्थना करी जा रही है, कहा जाता है अब्राहम इजहाक और यकूब का परमेश्वर, यकूब का परमेश्वर, याकूब का पिता। क्या हम भी ऐसे कह सकते हैं? क्या हमारे जीवन, हम अपने जीवन में परमेश्वर से आशीष प्राप्त कह सकते हैं कि हाँ वो मेरा पिता है, हाँ वो सना का परमेश्वर है, हाँ वो अलका का परमेश्वर है, हाँ वो अजय का परमेश्वर है? ये सब कैसे होगा जिस समय हम परमेश्वर के पवित्र वचनों की पालना करेंगे? बस क्रूस को उठाना है। जो आज्ञा परमेश्वर हमें देते हैं उसको फॉलो करना। परमेश्वर का वचन कहते हैं, परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं कि पाप ना करो। परमेश्वर का वचन कहता है झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, अपने माता पिता का आदर करो। ये पूरा पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं के साथ भरा हुआ है। यदि हम इस पवित्र शास्त्र की आज्ञाओं को मानते हैं तो जैसे जैसे हम पवित्र शास्त्र की आज्ञाओं को मानेंगे वैसे वैसे आशीषें हमारी बढ़ती 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 चली जाएंगी। पर प्रतिज्ञा एक ही, शर्त एक ही है कि हम मसीह के जीवन को, मसीह के वचनों को फॉलो करें, मसीह के चिन्ह, मसीह के नक्शे कदम के अनुसार चलने पर। अब्राहम जी के जीवन की ओर ध्यान। अब्राहम तो निसंतान था, परमेश्वर ने उनको बहुत ज्यादा आशीष दी। सिर्फ परमेश्वर ने उन्हें सिर्फ एक बच्चों की आशीष ही नहीं दी, एक वंश की आशीष ही नहीं दी थी। जिस समय परमेश्वर स्वर्ग से अपने लोगों को आशीष देते हैं तो परमेश्वर यहोवा यरे आपके हर पार्ट के अंदर आपको आशीष देंगे, हर हिस्से के अंदर इतनी आशीष दे देंगे, इतनी आशीष देंगे कि आप कभी गिन नहीं सकते। आपके अन्न के अंदर आशीष आएगी, आपके धन के अंदर आशीष आएगी, आपके बिजनेस के अंदर आशीष आएगी, आपको अच्छे स्वास्थ्य की आशीष आएगी, आपके घर के अंदर से क्लेश खत्म हो जाएंगे और शांति आ जाएगी। हमें उस परमेश्वर के पास जाना है जिसका नाम यहोवा यरे है, जो आपकी हर समस्या का उपाय कर देंगे। आमीन। और स्वर्ग से आपके लिए आशीषों को खोल देंगे। आमीन। सलाम। प्रेज़ द लॉर्ड।